जय श्री राम। आज का जो दब्ज रोहन का प्रोग्राम था हमारी नगरी में, हमारी जो 23 फरवरी को जो सिंज हमारे यहाँ शहीदों के नाम पे की जाती है, आज उसका दब्ज रोहन किया गया। इसमें हमारे जितने भी जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के जितने भी मेम्बरान्स हैं वो सारे उन्होंने आके यहाँ पे शिरकत की है और ढोल नगाड़ों के साथ आज शहीदों के नाम पे जो सिंज होगी उसका आगाज किया गया है। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह से जे लास्ट कोई 8-10 साल से ये सिंज लगातार हमारे टाउन में करवाई जा रही है शहीदों के नाम पे, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक प्रोग्राम देखने को मिलता है। काफ़ी दूर दूर से जहाँ पे पहलवान जहाँ पे दंगल के लिए आते हैं, तो मैं अपने नगरी वासियों को, तमाम कठुआ वासियों को यही अपील करूँगा कि जैसे कि अभी कोविड का भी थोड़ा काफ़ी जो भी प्रोटोकॉल होगा उसको भी हमें पालन करना पड़ेगा, उसके तहत ही एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी हमें एडवाइजरी वगैरह जो गाइडलाइन आती है उसके तहत ही हम इस सिंज को करवाने जाएंगे। पहले एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति लेके उसके बाद जो भी सिंज का जो कार्यक्रम होगा वो किया जाएगा। तो मैं सभी लोगों को जहाँ जो करवाने वाली टीम है इनको मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी सिंज का कार्यक्रम है बहुत अच्छी तरह लोगों को देखने को मिलेगा और लोगों को मैं नगरी में महामारी के टाइम में पिछले आप सभी को पता है कि पिछले कई सालों से नगरी में शहीदों के नाम का जो दंगल होता है आज उसका नगरी में ध्वज रोपण हुआ है। ये शहीदों के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है, एक तो उस दिन 23 फरवरी को होता है, एक तो शहीदों को याद किया जाता है उस दिन, और दूसरा स्पेशल जो एक हमारे यहाँ के नगरी तहसील के युवा हैं उनको एक मैसेज आता है कि नशे से दूर रहिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और ज़्यादा खेल कूद पे में भाग लीजिए। ऐसे के जो जब बाहर से दूर दूर से पहलवान आते हैं हमारे युवा, जब उनको देखते हैं तो उनके भी मन में एक आशा जागती है कि हम भी इनकी तरह बने। तो यही आज उसका ध्वज रोपण हुआ है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बड़े भाई रवि इंदोत्रा जी का आना हुआ और जहाँ के माने जाने माने समाज सेवक सनी कजोत्रा जी का भी आना हुआ और हमारे जो भी सीनियर सिटीजन हैं इस गांव